राज्य में सभी पार्टियों के नेता इस समय मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकार को लगता है कि राज्य सरकार द्वारा लाई बहिन योजना की वजह से इस बार उन्हें खूब वोट मिलेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में जोश भरने के लिए नेता जुट गए हैं, लेकिन खुद प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के यह कहने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई है। फडणवीस ने खुद काम करना शुरू कर दिया है। इस साल दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र फडणवीस के दिन अच्छे नहीं रहे, जहां से देवेंद्र फडणवीस लगातार निर्वाचित होते रहे हैं। कई जगहों पर लोगों की नाराजगी सामने आई है। ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने यह जोखिम उठाया है कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र में अच्छी तैयारी कर ली है, जिसके चलते फडणवीस पिछले दो सप्ताह से नागपुर और खासकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठे हैं। और तो और, फडणवीस हर दिन 30 से अधिक घरों का दौरा कर रहे हैं। इससे साफ है कि बीजेपी को अब टूटी हुई नाल को फिर से जोड़ना होगा।